भारत में अनलॉक वन चल रहा है और पहले फेज में मंदिर से लेकर के मॉल सब खुल चुके हैं, लेकिन रिसर्च फॉर्म जो है नोमोरा, उसकी एक रिपोर्ट भारत के लिए मौजूदा स्थिति को चिंता का कारण बता रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत फिलहाल दुनिया के 15 हाई रिस्क वाले देशों में से है, जहां लॉकडाउन में ढील के बाद कोरोना के मामले अपने उच्चतम स्तर पर आ सकते हैं। दुनिया के 45 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत डेंजर जोन में है और यहाँ सेकेंड वेव आने की आशंका ज्यादा है। सेकेंड वेव कोरोना वायरस के फैलने के दूसरे दौर को कहते हैं, जब मामलों में फिर से तेज वृद्धि होने लगती है। इसके अनुसार रिपोर्ट में मिला जुला जो परिणाम सामने आया है वो ये कि 17 देशों में किसी भी तरह की सेकेंड वेव का अनुमान नहीं है। 13 देशों में कुछ हद तक सेकेंड वेव की आशंका है, जबकि 15 देशों को हमने डेंजर जोन में रखा है। इन देशों में सेकेंड वेव की आशंका सबसे ज्यादा है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में ढील से दो तरह की स्थिति सामने आएगी। पहली स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, जैसे अमेरिका वगैरह में लॉकडाउन के नियमों में ढील दे दी गई है, काम शुरू हो गए हैं और रोज आने वाले मामलों में मामूली सा इजाफा हुआ है। इससे लोगों में डर कम हुआ है और चहल पहल बढ़ी है। जैसे जैसे नए मामलों की संख्या कम होगी, एक पॉजिटिव फीडबैक सामने आएगा। दूसरी स्थिति, ये स्थिति पहले से बुरी कही जा सकती है। लॉकडाउन में ढील के बाद अर्थव्यवस्था दोबारा खुलेगी। अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने का मतलब है कि रोज होने वाले इन्फेक्शन बढ़ेंगे, लोगों में डर पैदा होगा और उनका बाहर निकलना बंद हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। अब कैसे हुआ है ये पूरा एनालिसिस? इस एनालिसिस के लिए दुनिया के 45 देशों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। इनमें भारत वार्निंग साइन के साथ डेंजर जोन में है। भारत के साथ इस जोन में इंडोनेशिया, चिली और पाकिस्तान जैसे लो टू मिडिल इनकम वाले देश हैं। हालांकि अच्छी इकोनॉमी वाले देश जैसे कि स्वीडन है, सिंगापुर है, साउथ अफ्रीका है और कैनेडा भी, ये सब डेंजर जोन में ही हैं। ये स्टडी तब सामने आई जब इनमें से अधिकतर देशों ने लॉकडाउन में ढील दे दी है। ऐसे में WHO ने सभी देशों से सहयोग करने का आग्रह किया है। भारत में अनलॉक प्लान के तहत मॉल, मंदिर और रेस्टोरेंट आदि 8 जून से खुल गए हैं। अभी सब कुछ 25 मार्च से ही बंद थे। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।